देवी सत्यवती नमो नमः। एवं करुणानिधानं कमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं जन प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुं तम सर्वभूत हृदय मुनिमान त्वस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदिरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद सभी पर हाथ उठा कर बोलो बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला ब्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला ब्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोगों का बहुत बहुत ही अच्छा दिन है। कभी यह श्रीमद् भागवत कथा सुनने का हमें भगवान अवसर प्रदान की है। भक्तों का कहना है जगत में ऐसे कुछ काम है। हरे कृष्ण माता है अब चुपचाप बैठ जाओ कुछ करने का चुपचाप बैठो उधर बैठो सामने बैठो जब कथा हो ना सारे काम को छोड़ देना कथा से पहले जो काम चुपचाप बैठो कोई काम मत करना बैठ जाओ इसो इसो काम बाद जब कीर्तन होगा तब करना एकदम चुप कर बैठ जाओ आंख बंद कर बैठ जाओ और मुंह में हाथ लगा कर हरे कृष्ण हरे कृष्ण एकदम। और एक बात समझो जो जिसको जानते हो ना पास में मत बैठा करो। हमारे गुरु जी कहते थे अगर कथा सुनना हो आप जिसको जानते हो एकदम पास मत बैठना अगर कथा सुनना हो नहीं तो कथा नहीं ना सुनना फिर पास में बैठा हो हरे कृष्ण। इसलिए वैष्णव का कहना है जगत में ऐसे कुछ काम है अलग कर बैठो अलग कर जगत में ऐसे कुछ काम है जो काम हम पैसा के बल पर कर सकते हैं ये संतों का कहना है। जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमारे पास में जन बल हो जो काम को हम कर सकते हैं लेकिन उससे सबसे बड़ा बल है जो मन की बल है। जगत में ऐसे कुछ काम है जिसको हम मन के बल पर कर सकते हैं लेकिन सबसे जो बड़ा बल है ये आत्मा बल है। जगत में ऐसे कुछ काम है जो काम को हम आत्मा का बल पर कर सकते हैं लेकिन संतों का कहना ये भागवत कथा रखना कोई सुन सकते हो। इसलिए श्री शंकर जी पार्वती को यही बात कहते पार्वती जगत में बहुत सारी काम है जो काम को हम कर सकते हैं लेकिन जीवन में जो सत्संग है मतलब जीवन में जो भागवत कथा है शंकर जी कहते पार्वती बड़ी जन्म जन्मांतर का सौभाग्य उदय पार्वती अगर जीवन में निमिष दंड भर एको बरा अगर जीवन में एक निमिष एक दंड जिसको श्री गोस्वामी जी कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी और आधी से पुनि आध तुलसी सतसंगत में नासे खोटी अपराध। इसलिए बड़ी भाग्य से ये भागवत कथा जब जीव को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक तो ये भागवत अब विशेष करके यदि जो महीना कौन सा महीना है ये महीना का नाम क्या आपको पता है अधिक मास है इसको साधारण लोग इसको मलमास कहते हैं
इसलिए गुरु जी एक समय कथा सुना रहे थे, बोलिए महीना 3 साल नहीं तो 3.5 साल में एक बार आती है। जब हर महीना से कुछ दिन बचते बचते जब 3 साल में एक महीना ज्यादा हो जाता है, इसलिए साधारण लोग इसको मलमास कहते हैं। क्यों? हर महीना के कुछ समय बचते 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 एक महीना अंदर कर, इसलिए बचते बचते ये 3 महीना में एक महीना ज्यादा हो जाती है, इसलिए लोग इसको मलमास मलमास कहते हैं। और देखना इसी महीना आने पर कोई गृह प्रवेश नहीं करते हैं, शादी विवाह नहीं करते हैं, घर मकान नहीं बनाते, कोई शुभ काम नहीं करते हैं। एक दिन इसी महीना की जो अधिष्ठात्री देवता वो बड़ा दुखी हो गया, बोले मैं आता हूँ 3 साल के बाद में, फिर मेरे को मलमास मलमास गंधा मास कहते हैं, कोई बात नहीं, फिर ये महीना आए तो कोई शुभ काम करते ही नहीं, शादी विवाह गृह प्रवेश करता नहीं, फिर भी प्राण रख कर किया करो। एक दिन श्री उन्होंने श्री जगन्नाथ जी के पास में गए, बोले प्रभु से मेरे को जान से मारता, ये जन्म रख कर कोई लाभ नहीं। बोले क्यों? बोले आता हूँ 3 साल के बाद में, फिर गाली देते हैं, गंधा मास मलमास, फिर कोई शुभ काम नहीं करते, ये कोई जीवन है? इसलिए मेरे को जान से खत्म कर दो। जो बंदर घर में प्रवेश करते गए घर ही अपवित्र हो गया, लेकिन हनुमान जी प्रभु राम की शरण में आ गए तो देखो जिसको घर घर में जिनकी पूजा हो रही है, विभीषण राक्षस है लेकिन प्रभु राम की शरण में आ गए, भगवान को बराबर आसन प्रदान करते हैं। प्रहलाद राक्षस कुल में जन्म लिया लेकिन प्रभु की शरण में आ गए, देखो सारा दुनिया में पूजा हो रही है। इसलिए श्री जगन्नाथ जी बोले जब तुम मेरे शरण में आ गया ना, समझो तुम्हारी सारे दुर्गुण समाप्त हो गए। आज से मेरा नाम जैसे श्री पुरुषोत्तम देव है, आज से तुम्हारी नाम श्री पुरुषोत्तम महीना नाम से ख्याति होगा। अगर इसी महीना में मेरे लिए थोड़ी सी कोई भक्ति करे, अगर एक माला करना उसको 100 माला करने का फल मिलेगा, एक बार कथा सुने उसको 100 बार कथा सुनने के फल मिलेगी, गिरिराज गोवर्धन की एक बार परिक्रमा लगाए देखो उसको 100 बार परिक्रमा करने का फल मिलेगा, वृंदावन धाम का एक बार परिक्रमा लगाए तो उसको 100 बार परिक्रमा करने का फल मिलेगी। अब देखते ना अभी गाड़ी में हमें आने नहीं दे रहे, हर जगह पर रोक लगा दिया, इतने लोग परिक्रमा कर रहे हैं। हमने सुना गिरिराज में तो गीत में एक श्लोक वहां पर आया है, तति जद भवान नन्दी काननम त्रुटि जुगायते त्वाम मत पश्यता। कहते भक्तों का भाव देखो, जब भगवान कृष्ण गोचरण करते हुए वापस आते हैं, प्रभु जी बड़ी मीठी 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 बंसुरी बजाते हैं। अभी बंसी ध्वनि सुन करके जितने ब्रज की गोपियां सारे घर का काम काज छोड़ करके बाहर आ जाती और घूंघट उठा करके प्रभु का दर्शन करती हैं। भगवान की मुख कैसे जैसे कमल, और उनमें जो घूंघटाली केश जैसे जैसे कमल पुष्पों के ऊपर भौंरा बैठे हुए हैं, और गैया की खोर से जो धूल उड़ता है वो कैसे जैसे भगवान को अपना मुंह में पाउडर लगाया। लेकिन जब गोपियां कृष्ण का रूप दर्शन करती हैं, वो दर्शन करते समय कहते त्रुटि जुगायते त्वाम मपश्यताम, आँख का जो पलक झपती है ना, देखना पता ही नहीं चलता, पलक जब झपती है पता ही नहीं चलता है, लेकिन उतना समय को वो कहती है ब्रह्मा को तो सृष्टि करना आता ही नहीं, इतने सुंदर कृष्ण का दर्शन करने के लिए दो ही आग, फिर उसे बीच बीच में फिर पलक झप रही है। अगर हमें ब्रह्मा बनाते हैं ना, हम उसको सिखा देते आँख कैसे बनानी चाहिए, आँख कैसे बनानी चाहिए हैं। इसलिए इनको भगवत दर्शन में इतने व्याकुल है ये गोपियां, इसलिए भगवान कहते हैं मेरे जो भक्त लोग ये महीना को बड़े आदर करेंगे इसी महीना में। इसलिए हम इसी महीना में परवल नहीं खाते, घिया नहीं खाते, बैगन नहीं खाते, सरसों का तेल नहीं खाते हैं, बहुत सारी चीज हम इसी महीना में छोड़े हुए, और किसी तरह से थोड़ी सी लेकर के हैं थोड़ी सी भजन लेकर के इसी महीना में जो साधु लोग नियम बनाते हैं रोज रोज एक एक लाख हरिनाम करेंगे, क्योंकि 1 लाख हरिनाम करेंगे तो 100 बार फल मिलेगा, एक बार परिक्रमा करोगे तो 100 बार परिक्रमा करने का फल मिलेगा। इसलिए हमारे सारे वैष्णव जन इसी महीना में संकल्प लेते हैं भगवान
कृपा करके 3 साल में 1 महीना ज्यादा दे दिया और 1 महीना में ज्यादा से ज्यादा हरिनाम, ज्यादा से ज्यादा भजन, ज्यादा से ज्यादा स्तुति, ज्यादा से ज्यादा परिक्रमा लगाए। इसलिए हमारे संत लोग रोज नियम करके गोवर्धन वृंदावन परिक्रमा लगाते हैं, सवेरे मंगलारती में उठते हैं, बैठ करके ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करते हैं, ठीक है ना। और इसी महीना में फिर जो भागवत कथा सुनना, समझो तो 4 चांद लग जाएगा, इसमें 4 चांद इसमें लग गया। और जो आपका जो परिवार लोग, क्या मदन लाल है ना, कहते मदन लाल के जो आपके जो परिवार के जो भक्त लोग गए, फिर जो भागवत कथा रखवाया, बोले कहाँ पर भागवत कथा रखवाया, बोले जहाँ तहाँ नहीं, कहाँ पर रखवाया, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम है। कहती है वृंदावन धाम क्या है, कहते हैं किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ, बोले के सब के कली कुंज कोटि कोटि काशी है, बोले गोपिनी के द्वार पहे बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है, बोले स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जानकर नहीं है क्या हम श्री वृंदावनवासी है। इसलिए जो वृंदावन जो धाम है ना, ये वृंदावन धाम कोई साधारण भूमि नहीं, यदि ये स्वयं किशोरी श्री राधा रानी अपना हृदय को ही ये वृंदावन धाम रूप में उन्होंने प्रकट करके रखा। इसलिए श्री राधा जी की ये हृदय ये श्री वृंदावन धाम। इसलिए पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले चिंता मणि पटर सद्म सुकल्प वृक्षम लक्षा वृतत सुरभि रभि पालयंतम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सिद्धमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। इसलिए पितामह ब्रह्मा कहते हैं ये जो वृंदावन धाम क्या है, कदी ये जो भूमि नहीं, कदी ये चिंतामणि धाम है, ये चिंतामणि, कदी यहाँ का वृक्ष कैसे, बोले वृक्ष नहीं, सबके सब कल्प वृक्ष है यहाँ। कहते यहाँ पानी क्या, बोले पानी नहीं, बोले तोयम अमृतम, ये पानी अमृत है। अगर वृंदावन में अगर कोई चलता है ना, वो चलना नहीं लगता है, जैसे बड़े सुंदर नृत्य कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई कुछ बोलते हैं, बोले बोलना नहीं लगता है, ठाकुर जी की बड़े सुंदर भजन गा रहे हैं, ठाकुर जी की भजन गा रहे हैं। अगर यहाँ पर केवल कोई सोते रहे ना, कभी ये समाधि के फल मिलता है। अगर यहाँ पर कोई चक्कर केवल काटे घूमते रहे, कहते तो उसको परिक्रमा करने का फल मिलता है, परिक्रमा करने की खूब फल मिलता है। बोले रात्रि एक निवास न हरि भक्ति प्रजायते, एक रात अगर कोई वृंदावन धाम में निवास कर गया, बोले उसको भगवत प्रेम प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ पर वृंदावन धाम में, बोले ये यमुना नहीं, बोले राधा कृष्ण का प्रेम जब द्रवीभूत होकर के बहती है, कहती इसे जमुना पटराणी, ये जमुना महारानी। इसलिए ये धाम में प्राप्त करने के लिए, कहती ये वृंदावन धाम की इतने महिमा, आप और हमारी बात छोड़ दो, स्वयं भोले बाबा स्वयं शंकर जी, इन्होंने भी कोशिश की वृंदावन में प्रवेश करने के लिए, लेकिन प्रवेश नहीं कर पाए। और जो देव देव महादेव स्वयं शंकर जी, इसलिए यहाँ पर शंकर जी गोपीश्वर शिव रूप में है, श्री श्री गोपीश्वर शिव रूप में बैठे हुए कहाँ पर, मतलब वृंदावन के बाहर में चौकीदारी का शंकर जी काम कर रहे हैं। कहते माँ लक्ष्मी क्या कर रही हैं, अब देखना माँ लक्ष्मी हर समय हाथ को ऐसे करके बैठती है, लेकिन आप यहाँ पर बैल बने हैं जमुना का उस पार में, आप वहां पर जा करके देखोगे माँ लक्ष्मी ऐसे हाथ जोड़ करके बैठे हुए। इसलिए कहते बिहाय कामान सुचिर धृत व्रता, वो वृंदावन धाम में प्रवेश करने के लिए लक्ष्मी वैकुंठ का त्याग दी उन्होंने और धृत व्रता व्रत लेकर के बैठी हुई, कब से वृंदावन धाम में प्रवेश हुई। पितामह ब्रह्मा जी वो कहते हैं तद भूरी भाग्य मेरा जन्म किम अटव्या जत गोकुल कथमांग्र रजो विषक, ब्रह्मा कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, जब भगवान के बछड़े सखाओं को चोरी की, जब उनको पता चला कृष्ण कौन है, कहते मेरे पिताजी की पिताजी की पिताजी की पिताजी है ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा जी बहुत नाक रगड़े प्रभु जी के चरण में रगड़ करके, भगवान कहते क्या चाहिए तुम्हें बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, प्रभु छोड़ दो उसको, हरे कृष्ण।
फिर बताओ क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? बोले प्रभु ब्रज का बाहर में जो छोटे जाति के लोग जहां पर रहते हैं, अगर उनको घर को सामने अगर मेरे को पत्थर जन्म हो जाए, अगर वो छोटे जाति के लोग मेरे ऊपर में चरण रगड़े, अगर उनके अगर चरण धूल मिल जाए, तब ये जीवन को मैं धन्य धन्य मानूंगा। कौन कह रहे? ब्रह्मा जी कह रहे। ब्रह्मा जी, उद्धव जी जब ब्रज में आए, ब्रजवासियों का महिमा, राधा जी की महिमा देखे, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं क्या मेरा ऐसे सौभाग्य होगा? बोले कौन सा सौभाग्य? बोले ब्रज वृंदावन में वो तीन जन्म प्रार्थना किया है, कभी यहाँ पर घास बन करके जन्म हो। बोले भैया घास क्यों बन करके जन्म लेना चाहते हो? बोले गोपियां जब कृष्ण से मिलने के लिए जाएगी, चल करके तो जाना पड़ेगा ना, अगर घास बना रहूंगा तो उनकी चरण की स्पर्श मिलेगा। बोले यहाँ पर लग में है परिक्रमा मार्ग में यहाँ भागवत बैठ करके, और जमुना तो पास में बह रही थी, और पास में श्री सेवा कुंज निकुंज बने हैं। कहती है सेवा कुंज निकुंज बने को क्या है? बोले बैठ पैलट राधिका पाए। विश्व ब्रह्मांड जिनकी चरण की सेवा करते हैं, इसलिए रसखान कहते हैं वो परम ब्रह्म क्या कर रहा है? बोले श्री सेवा कुंज में बैठ करके श्री राधा रानी की चरण की सेवा कर रहे, राधा जी की चरण की सेवा कर रहे हैं। ये स्थान में फिर ये अधिक महीना में ये भागवत कथा सुनना समझो बड़े सौभाग्य से, एक जन्म नहीं करोड़ों करोड़ों जन्मों का सौभाग्य से आप लोगों को और हम लोगों को ठाकुर जी से वृंदावन धाम में अवसर प्रदान की ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। अरे जोर से जयकार लगा, सब सुख खाए नहीं ना, किसको खाए खाए कुछ भजन भजन किए कि नहीं? हाँ जोर से जयकार लगा। इस महीना में एक बार जयकार लगाओ ना, सौ बार जयकार करने का फल मिलेगा। और जयकार थोड़ी ठाकुर जी को, जो जितने जोर से ठाकुर का जयकार देगा ना, आप दोगे तो ठाकुर जी की जयकार किसका होगा? अपना। जय देने से जय होता है। अति अब रामदेव बाबा का जोगा देखना, वो दिखाते हैं ना, ये पैंट दबाव क्या होगा, यहाँ पैंट क्या कैंसर, कैंसर कहाँ पर, हाड़, सारे पैंट से कौन सा बीमार, इसलिए ताली बजाओगे तो क्या होगा, सारे पैंट से दबेगी, इसलिए सारी बीमारी तुम्हारी सही होगी। ये दूसरा लाभ क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जैसे कहीं अगर आपने गेहूँ दाल चावल को सुखाने के लिए दिया,
अगर कोई चिड़िया चुग रहा है फिर क्या करोगे पठाने के लिए? हम उसको ताली बजाते हैं, जब ताली बजा वो सारे पाप भी उड़ जाते हैं, लेकिन हाथ से तो उड़ जाती है फिर बगल में बैठ जाती है, हैं? फिर क्या करते हैं हम लोग, हाथ उठाते हैं बोले से वृंदावन बिहारी लाल की जय, फिर बगल से उड़ जाते हैं। क्या ये हो गया पहला लाभ, हो दूसरा लाभ हो गया, बोले तीसरा लाभ क्या? तो भाई सबसे ज्यादा फायदा है, जैसे संसार में जब बहुत ज्यादा हम दुखी दुखी हो जाते हैं, देखना ज्यादा ही दुखी दुखी, किसी तरह से दुख नहीं जाता है, हम क्या करते हैं किसी ज्योतिष के पास में जाते हैं, बोले देखो तो भैया ये क्यों संसार में ये दुख क्यों नहीं जा रहे हैं, एक के बाद में एक, एक के बाद में एक दुख आती जाती रहती है, बताओ ज्योतिष क्या तुम्हारे दुख को दूर कर देगा? बल्कि बगैर ये स्टोन पहनो, ये धागा लगाओ, इतना हजार पैसा दो, ये हो, सारे पैसा तुमसे निकाल लेगा, सारे पैसा वो सही नहीं करा सकता है, लेकिन ये सही करा सकता तो कौन सही करा सकता है? भगवान कर सकते हैं, इसलिए भगवान का नाम ईश्वर है। ईश्वर का मतलब होता है नहीं को है, है को जो नहीं कर सकते वो ईश्वर है, है ईश्वर है। लेकिन जब आप ताली बजाओगे ना, हम ताली कब बजाते हैं? जब किसी की स्वागत करते हैं ना तब ताली बजाते हैं, कहते ना भैया इनको ताली बजा करके इनकी स्वागत करो, लेकिन यहाँ पर किसकी स्वागत कर रहे हो? यहाँ पर किसकी स्वागत हो रही है? यहाँ पर ठाकुर जी का स्वागत हो रही है। इसलिए जब आप ताली बजाओगे, अगर तुम्हारी भाग्य रेखा कहीं अगर उल्टा पुल्टा इधर उधर हो, अगर आप ताली बजाओगे ना कि सब ठाकुर जी सही कर रहे हैं, ये भाग्य रेखा तुम्हारी सही हो जाएगी। आप देखो मेरे तरफ ये माताओं के लिए ना उल्टा हाथ, ये भाग्य रेखा है, आप खुद देख सकते हो, और भाई लोगों के लिए ये भाग्य रेखा है, ये सीधा हाथ भाग्य रेखा है। इसलिए आप अगर ताली बजाओगे ना, अगर उल्टा पुल्टा थोड़ी हो, आप ताली बजाने से पहले देख लो, ताली बजाने के बाद में देख लो, आपको विश्वास हो रहे कि नहीं, विश्वास हो रहे कि नहीं, इसलिए हर विश्वास के साथ में ताली बजाओगे तो ठाकुर तुम्हारी भाग्य रेखा बदला देंगे, ठीक है ना। इसलिए सबके सब कीर्तन जब हम करेंगे, मीठे मीठे ताली बजाते बजाते ठाकुर जी की सबके सब कीर्तन करना, ठीक है? मेरे पीछे पीछे बोलो, बोले हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, जिसको प्रेम भगवान की कोई विशेष कृपा हो पार्वती, तभी जीवन में ये भागवत कथा सुनने को तभी
जीवन में मिलना है, नहीं तो ये भागवत कथा सुनने को नहीं मिलती। उदाहरण दिया, जैसे आपके घर में कोई फंक्शन हो रही है, बताओ वो फंक्शन में कौन आएगा? आप जिसको निमंत्रण दोगे। जैसे आपका नेक्स्ट घर में हो लेकिन आप उसको निमंत्रण नहीं दो, नहीं आएगा। लेकिन 1000 किलोमीटर में कहीं किसका घर हो, अगर आपको निमंत्रण देगा ना, देखना वो वहाँ से वो आपके घर में आएगा। लेकिन आपको पड़ोसी घर में अगर निमंत्रण नहीं तो वो नहीं आएगा। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती ये कथा में कौन आए हैं, जैसे कृष्णा बंसी बटको नीचे बंसरी बजाए लेकिन ब्रज के सब लोग नहीं आए, वो जिसको बुलाना चाह रहे थे ना वही केवल बंसी बट में आए। कहते तो उसी तरह ये भागवत कथा रूपी बंसुरी तो भगवान ने बजाए लेकिन ये कथा में आए कौन, और भगवान जिसको निमंत्रण दिया है, ठाकुर जी जिसको बुलाया है, केवल वही पर कथा सुनने के लिए आए, सब यहाँ पर कथा सुनने नहीं के लिए नहीं आए। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती आप तो यही सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाए। कहते कथा में सब नहीं आएंगे पार्वती, कहते आप तो यही सर अति कठिनाई, कहते भगवत कथा में आना पता नहीं कितने लोग कितने बहाना बनाते, बोले देवी तुम चल जाओ मैं सारे काम को निपटा करके ना आ जाऊंगा, बोले तू स्वयं निपट जाओगे लेकिन तेरे काम नहीं निपटेगा। अभी तो किसने कहते संसार में जब सेटिंग हो जाए ना फिर तो सब करेंगे, अभी तक तो दुनिया में कोई सेटिंग, रावण सेटिंग हो पाया, कुंभकर्ण सेटिंग हो पाया, जगत में कोई सेट हुए है? हर चीज को तो हम सेट कर देते हैं, डाइनिंग रूम को सेट कर दिया, किचन को सेट कर दिया, हैं सबको सेट कर देते हैं लेकिन खुद आप सेट रहते हैं, और सारा दुनिया को हम सेट कर देते हैं। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती कथा में नहीं आ सकते हैं, इसलिए कहते हैं आप तो यही सर अति कठिनाई बहुत ही कठिन है। अगर किसको पता चले ना यहाँ पर शाहरुख खान सलमान खान आ रहा है, अब देखना कितने लोग आएंगे वहां देखने, प्यार रखने की भी तुम्हारी जगह नहीं होगी वहां पर, इतने लोग आ जाएंगे वहां पर। लेकिन शंकर जी कहते पार्वती ये जो भागवत कथा है यहाँ पर सभी नहीं आ सकते हैं, ठाकुर जी जिसको निमंत्रण देंगे वही केवल कथा में आ सकती है, ये कथा में सभी नहीं आ सकती है। इसलिए आप लोग जो कथा सुनने के लिए श्री वृंदावन धाम में आए हो समझना बड़ी सौभाग्यवान हो, तभी ये कथा सुनने के लिए आए। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित बोले स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस। कहते आज हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी सौभाग्य में भी ये कथा नहीं जुड़ती, उनकी सौभाग्य में नहीं होता है। इसलिए अभी हम कथा सुनेंगे, जब श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुनाने जा रहे थे, जिन जिन देवता को हम घर घर में पूजा करते हैं वो सारे देवता स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आए, बोले लो ये पूरा के पूरा अमृत कलश लो। बोले सुखदेव गोस्वामी आप परीक्षित को क्यों कथा सुना रहे हो? बोले इनको